Hello dear students, welcome back. Today we are going to talk about our topic, that is quadrilaterals, and we are continuing our chapter number 21. In this video we will talk about the quadrilateral as well as the all the four types of the quadrilaterals. Students, today we will talk about the quadrilaterals. Okay, we have completed circle and triangles, now we come to the quadrilateral. So quadrilaterals क्या होता है? It is a closed figure bounded by the four line segments. ऐसा closed figure जो आपका four line segments से बनता है. Suppose this is a figure. इसमें चार line segments हैं. Okay, there are four line segments in this figure. I name it as A, B, C, D. चार line segments हैं. AB is a line segment, BC is a line segment, CD is a line segment. Similarly, AD is a line segment. चार लाइन सेगमेंट से जो आपका फिगर बनता है दैट इज योर क्वाड्रिलेटर. ओके, वी नेम इट बाय यूजिंग द कैपिटल लेटर्स ए बी सी डी. ठीक है, क्वाड्रिलेटर्स में स्टूडेंट्स आपके क्या रहेंगे? चार वर्टिसेस रहेंगे. अभी हमने ट्रायंगल्स में पढ़ा था इट हैज अ थ्री वर्टिसेस, बट क्वाड्रिलेटर के चार कॉर्नर पॉइंट्स हैं, है ना, चार कॉर्नर पॉइंट्स है, तो इट हैज अ four vertices like A, B, C, D. These are the vertices of a triangle. The corner points क्या रहते हैं आपके? Vertices रहते हैं और four ही sides होंगी quadrilaterals में. Four sides name कौन सा होगा? A, B is a side because it is a line segment. फिर we write the symbol of a line segment. A, B is a line segment. B, C is a line segment. C, D is a line segment and A, D is also a line segment. तो कितनी साइड्स हो जाती हैं क्वाड्रिलेटर में? देयर आर फोर साइड्स इन अ क्वाड्रिलेटर. नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द एंगल्स. एंगल्स भी स्टूडेंट्स आपके कितने होंगे इसमें? फोर एंगल्स होंगे, दैट इज एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल डी. हियर इट इज ए, बी, सी एंड डी. ठीक है, देयर आर फोर एंगल्स इन अ क्वाड्रिलेटर एंड वी नेम इट एज ए क्वाड्रिलेटर ए बी सी डी. हम नेम कैसे देते हैं इसको? दिस इज अ quadrilateral A, B, C, D. Next is students, your types of quadrilaterals. Your first type of quadrilateral is parallelogram. Okay, this is a parallelogram. Okay, now we will talk about the properties of a parallelogram. In parallelogram, it is a quadrilateral. Parallelogram is also a quadrilateral क्योंकि जिन भी figures की आपकी four line segments से बने होंगे वो आपके quadrilaterals कहलाते हैं. So parallelogram is also a quadrilateral. In parallelogram, your both pair of opposite sides are parallel. Means parallelogram में क्या होता है students? आपकी जो opposite sides है, like this AP, AB is parallel to DC. Opposite sides आपस में parallel रहती हैं. AB is parallel to DC and also AD is parallel to BC. ठीक है, जो आपकी ये जो opposite sides हैं, opposite sides are पैरलर. ओके, योर फर्स्ट कंडीशन ऑफ पैरलेलोग्राम इज कि इसकी जो अपोजिट साइड रहती है वो सारी क्या रहती हैं? पैरलर रहती हैं एंड ऑल्सो इक्वल टू ईच अदर. मतलब जो ए बी और डी सी आपस में पैरलर हैं तो ए बी इज ऑल्सो इक्वल टू डी सी. ये आपस में इक्वल भी हैं और आपस में पैरलर भी हैं. ऑल्सो जैसे आपकी ये साइड है ए डी, ए डी और बी सी, ये दोनों साइड्स ए डी और बी सी ये आपस में पार्लर भी हैं और ये आपस में इक्वल भी हैं. AD इज ऑल्सो इक्वल टू BC. मीन्स एक तो आपकी अपोजिट साइड्स पैरलर रहेंगी एंड ऑल्सो योर अपोजिट साइड्स आर इक्वल. ओके, दीज टू आर द कंडीशंस ऑफ द पैरलेलोग्राम. कि एक तो आपकी अपोजिट साइड्स पैरलर रहती हैं, सेकेंड अपोजिट साइड्स आपस में इक्वल रहती हैं, ऑल्सो आपके जो अपोजिट एंगल्स के पेयर हैं वो भी एक दूसरे के इक्वल रहते हैं. अपोजिट एंगल पेयर यानी एंगल जो ए रहेगा वो आपका सी के इक्वल रहेगा. ओके, नेक्स्ट कंडीशन क्या है आपकी? एंगल ए विल बी इक्वल्स टू एंगल सी एंड एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल डी. मतलब अपोजिट साइड्स पैरलर, अपोजिट साइड्स इक्वल और अपोजिट एंगल्स भी आपस में क्या रहेंगे? आपके इक्वल रहेंगे. नाउ स्टूडेंट्स, अवर नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटर इज रेक्टेंगल. एंड रेक्टेंगल इज ऑल्सो अ क्वाड्रिलेटर क्योंकि इसमें भी हमारे पास फोर लाइन सेगमेंट से बना हुआ है. रेक्टेंगल की conditions क्या होती हैं students? First one condition is that each angle is of 90 degree.
ओके आपका रेक्टेंगल का सारे एंगल्स, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, सभी एंगल्स का मेजर हमेशा क्या रहेगा, 90 डिग्री के एंगल्स है, ऑल द फोर एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री। एंड वन मोर थिंग, इसमें भी आपकी ये जो साइड्स है ए बी और डी सी, ये आपस में पार्लर भी रहेंगी और आपस में इक्वल भी रहेंगी। ओके लाइक ए बी साइड आपकी पार्लर है डी सी के, ए बी पार्लर टू डी सी, ऑल्सो ए डी इज पार्लर टू बी सी, मतलब अपोजिट साइड्स जो है आपकी पार्लर रहेंगी, अपोजिट साइड्स आर पार्लर, दिस इज द सिंबल फॉर अ पार्लर, अपोजिट साइड्स पार्लर है एंड ऑल्सो अपोजिट साइड्स क्या है, इक्वल भी है, मीन्स ए बी इज इक्वल टू डी सी एंड ए डी इज इक्वल टू बी सी, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ओके यू हैव टू रिमेंबर दीज कंडीशंस, ईच एंगल 90 डिग्री का है, अपोजिट साइड्स एक पैरेलल रहेंगी, अपोजिट साइड्स आपस में इक्वल भी रहेंगी। ओके दीज आर द कंडीशंस फॉर अ रेक्टेंगल एंड एवरी रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम। स्टूडेंट्स देखो अभी हमने पैरेललोग्राम के बारे में पढ़ा था, पैरेललोग्राम में भी अपोजिट साइड्स पैरेलल थी और इक्वल थी, रेक्टेंगल में भी सारी अपोजिट साइड्स पैरेलल भी हैं इक्वल भी, सो एवरी रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम ऑल्सो। Now students, our third type of quadrilaterals is, it's a rhombus. We can say that rhombus is also a parallelogram. Okay, look at the conditions of the rhombus, that rhombus also have a AB parallel DC. मतलब इसकी भी opposite sides क्या रहती हैं, parallel रहती है, AB is parallel to DC and AD is parallel to BC. Okay, opposite sides are parallel. And also, बट ए रोम्बस हैज ऑल द फोर साइड्स इक्वल, रोम्बस की चारों साइड्स इक्वल रहती है, ए बी इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी, ऑल साइड्स आर इक्वल इन अ रोम्बस एंड ऑल्सो अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी, सो इट ऑल्सो हैव द प्रॉपर्टीज लाइक अ पैरेललोग्राम, सो इट इज ऑल्सो अ रोम्बस इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम। नेक्स्ट इज स्क्वेयर, स्क्वेयर इज ऑल्सो अ parallelogram. Students, in square all the four sides are equal, means side AB, BC, CD, AD, all the sides are equal to each other and also all the angles are measure of 90. सारे angles आपके इसमें क्या होते हैं, 90 degree के होते हैं and also AB is parallel to DC and AD is parallel to BC, means opposite sides जो रहेंगे आपकी वापस में एक दूसरे के सब parallel भी रहेंगे, so square is also a parallelogram. The next type of quadrilaterals is trapezium. Okay students, in trapezium, trapezium is also a quadrilateral because it also made up of the four line segments, na, isme char line segments, it is also a quadrilateral. And one more thing, one pair of opposite sides is parallel, means the AB is parallel to DC, but AD is not parallel to BC. Only one pair of opposite sides is parallel in trapezium. Next one is kite. Okay, this is the shape of a kite. A kite is also a quadrilateral in which two pair of adjacent sides are equal. Adjacent side means the side AB is equal to AD and also CD is equal to BC. Okay, but this AB will not be equal to the BC. AB is only equal to AD, CD equal to BD, but AD, AB is not equal to CD or मतलब opposite sides are not equal, only the adjacent sides are equal in the case of a kite.